तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम ये जी पहाड़ी ब्लॉग्स। सो दोस्तों, आज जो है जा रहे हैं बारात में, दूसरे गांव में शादी है ना, तो वहां पे जा रहे हैं बारात में, लड़के की शादी है, वहां जाएंगे, मतलब बाराती बन के जो है जाएंगे उधर को, एंड जो है दिखाते हैं वहाँ का सीन। आज जा रहे हैं हम दूसरे गाँव में, मतलब काफ़ी दूर जा रहे बारात, तो वहीं जाएंगे एंड वहाँ का सारा नज़ारा दिखाएंगे बारात में, मतलब पहाड़ों में बारात किस तरह से जाती है सारा कुछ। सो हे गाइस, अभी हम जा रहे हैं पार वाले बारात में, थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे। अभी बहुत लंबा रास्ता भी पड़ता है हमारे गांव से वहां जाने में। आगे से हमारे अपने बीएसजी पहाड़ी जा रहे से हाय, ये स्टिंग का मज़ा ले रहे, वो भी ठंडा ठंडा नहीं हो रखा, वो गर्मी हो रखा है एकदम, फ्रिज में रखते ही निकाल के लेके आ जाते हैं पीने के लिए। अच्छा, ठंड हो रही, सही है। और देखते हैं शादी में क्या सिंग शॉट बनता है आगे का। सनील जी पहुंच चुके हैं बारात में एंड हमारे साथ हमारे जोशी जी, जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, और बुबू जी। बाकी अभी जाते हैं बारात में, फिर देखते हैं क्या क्या सीन होता है एंड अभी बारात जो है तैयार हो रही है, उसके बाद देखते हैं। हमारा मन हुआ इसका इंट्रो अभी आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले, एंड अभी जो बारात रेडी हो रही है, यहाँ आके सब बैठ गए, हम भी बैठ जाते हैं एक साइड से। हेलो हेलो गाइस, अभी हम जा रहे हैं शादी वाले घर में, वहाँ के लड्डू के डांस दिखाते हैं आपको। सो हे गाइस, अभी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं बारात वाली, अभी थोड़ी देर बाद बारात जाने वाली है। यहाँ पे देखिए हमारे साथ कौन कौन बैठे हैं, चाचा विधायक हैं हमारे बीएसजी पहाड़ी, अभी पीछे तो कोई है नहीं, अभी आएंगे थोड़ी देर बाद। यहाँ पे बड़ी दिक्कत होती है, जो है अभी बारात जा रही है एंड वो पीछे जो है वीडियो बननी बना पाया, वो हमारे मनीष भाई ने बनाए थे, आप सबने देख लिया था, बट इंट्रो पता नहीं कैसा दिया था आप सब, ये मतलब आप सबने देख लिया होगा, उसके लिए सॉरी एंड हमारे मनीष भाई को शुक्रिया। सो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं जहां बारात जाने वाली है, अभी वहां का सीन शॉट दिखाता हूं मैं, वो पार्क वो अभी कोहरा हो रखा है जिस वजह से नहीं दिखाई दे रहा, नहीं तो गाँव वहाँ है। सो गाइस, अभी हम फिलहाल पहुंच चुके हैं, दिखाते सब बोल रहे हैं फील्ड में रुकाओ फील्ड में रुकाओ, इसलिए सब फील्ड में ही रुका रहे हैं। सही है, सही है। सो गाइस, अभी हम गाड़ी से उतर रहे हैं, देख सकते हो यहाँ का सिनेमेटिक एकदम लुक बाय ट्रेंडी। सो यहाँ का नज़ारा देख सकते हो, अब तक इनको तो आपने देखा ही होगा ब्लॉग में, विक्रम सिंह भाई बैंक ऑफ बड़ौड़ा वाले ये अपने डीके भाई एंड ये है ना अपने हरदा, ये भी शादी का मजा ले रहे एकदम मस्त करके। बराबर
बाकी का वहाँ बारात में पहुँच के ही पता चलेगा, बारात क्या बोलते हैं ब्योली के घर में। तो गाइस अभी नाश्ता टाइम, सबने ले लिया एक एक पतला एंड सब खा रहे हैं। हमारे जोशी दिख रहे थे अभी तक यहीं पे, पर चले गए। एंड अभी दिखाते हैं आपको यहाँ पे जो है नाश्ता मिल रहा है काफ़ी मतलब अच्छा। पहाड़ों में रिवाज होता है कि मतलब बारात आए तो दिखाना पड़ता है, मतलब वो खिलाना पड़ता है, उनको खिलाना पड़ता है, क्या रिवाज होता है तो खिलाते ही। ये देखो ऐसे ये मिल रहा है, प्लस ठंडा मिल रहा है, मतलब एक ग्लास में जूस मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, ग्लास लगा रखे हैं, जूस मिल रहा है देखो। गाइस ये है शादी वाला घर जहाँ हम अभी पहुंच ही रहे हैं। सो गाइस खाना वगैरह खा लिया, काफ़ी अच्छा बना रखा था, थैंक्स इन भाई लोगों को अगर मुझसे कोई वीडियो देख रहा हो तो। और बाकी खाना बहुत टेस्टी था। अभी दिखाते हैं जयमाला, जयमाला वाला सीन इसके बाद होगा आई थिंक। सो गाइस अभी जो है हो रही है महिला संगीत की, वो सारी जयमाला की तैयारी, एंड अभी दुल्हन आएंगी, उसके बाद दिखाते हैं आपको सीन। बट अभी जरूर छोड़ना पड़ा, अभी कुछ काम पड़ गया था बागेश्वर में, तो वहाँ जाके निकलते हैं। हमारे साथ चाचा बबलू भाई बैंक ऑफ बदौड़ा वाले एंड हमारे दिगंबर चाचा अभी निकल रहे हैं बागेश्वर को। सो गाइस निकल रहे हैं, यह है चाचा की धन्नो जिसमें चाचा और मैं जाएंगे, और यह है दिगंबर भाई की जिसमें दिगंबर भाई और हमारे बबलू भाई निकलेंगे। यहाँ से जाएंगे हम बागेश्वर को, निकलेंगे बागेश्वर को। दिगंबर भाई अभी दुकान में गए हैं, सामान ले रहे हैं, कुछ देखते हैं क्या सामान ले रहे हैं। एंड बाकी दिखाते हैं आपको पहाड़ों की राइड, बाइक राइड दिखाते हैं। ये हमारे दिगंबर भाई, हेलो हाय से हाय 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 करते हैं, अभी मिलते हैं रास्ते में। तो गाइस बैठ गए चाचा, स्टार्ट कर दिए केटीएम अपनी, अभी बैठते हैं फिर निकलते हैं। चलिए चलो आपको दिखाते हैं पहाड़ों की राइड। सो गाइस अभी दुकान में रुके हैं, एक चाचा कुछ सामान ले रहे हैं एंड अभी रुके हैं डिब्बू जैसे लोगों को, वो पीछे रह गए, रोड ख़राब ना थोड़ी, तो हम तो भगा के आए बिल्कुल। एंड अभी उनको रुके पड़े हैं, आते हैं फिर चलते हैं बागेश्वर को, फिर देखते हैं बाकी स्ट्रिंग के मज़े ले रहे हैं अभी। चेस चाचा जी नीबूज बोल रहे स्ट्रिंग नीबू। तो गाइस अभी आ रखे थे वॉच देखने, घड़ी दिखा दो थोड़ी। गाइस देखो मैंने घड़ी ले ली है, और एक अच्छी चीज बताऊं, ये देखो इसमें लाइट जलती है, कैसी लगी कमेंट में बताना कमेंट करके। एंड एक घड़ी थी मेरे पास लेकिन वो ले गया था बैंक ऑफ बदौड़ा वाला बबलू भाई हमारा ले गया था, कोई दिक्कत नहीं उन्होंने दूसरी ले ली। एंड अभी चलते हैं घर को, फिर घर जाके मिलते हैं, शादी तो हमने छोड़ दी वैसे भी, कोई दिक्कत ही, नवीन भाई हमारे जिंदाबाद, उनसे ले लेंगे सूट्स वगैरह जो भी है। एंड अभी बैठते हैं फिर चलते हैं, चलो। एंड अभी जो है घर जाके मिलते हैं फिर। ये हमारा बागेश्वर, बागेश्वर से कौन कौन है दिल वाला कॉमेंट करना, लाल दिल भेजना बिल्कुल, आई लव बागेश्वर करके। एंड बागेश्वर के कुछ शॉर्ट नज़ारे,
एंड चलते हैं अभी घर जाके मिलते हैं फिर। सो गाइस फाइनली जो है पहुंच चुके हैं घर एंड चाचा जी और देखो मतलब पूरा भीग गए, बारिश हो गई थी मतलब रास्ते में हम थे लेकिन बारिश हो गई, लेकिन मज़ा काफ़ी आया, काफ़ी मतलब फुल इन्जॉय लिया, डॉक्यूमेंट मोबाइल वगैरह सब बैग में डाल दिए, बैग को छुपा दिया और काफ़ी मज़ा आया। फिलहाल पहुँच चुके हैं घर, बारह तो रात तो वहीं होगी, अभी आ रही होगी लेकिन बाकी सूट वगैरह दिखा दूंगा मैं बारात के कुछ। एंड अभी फिलहाल तो घर पहुंच चुके हैं, बाकी देखो बारिश लग के जो है आग तो थम गई जंगलों में। एंड मुझे लगता है सुबह तक ये जो धुंधला है ना, धुंध मतलब जो धुआं धुआं सा दिख रहा है, ये भी क्लियर हो जाए तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। एंड किसी के बैल भाग के आ गए हैं घर, बाकी अभी भी बारिश लग रही है हल्की हल्की, नहीं वो पेड़ों में अटकी है ना पानी, पानी अटका है तो उसके से हो रहा है। आ गए हो? वो उधर दिख रहे हैं ना, अभी उधर जा रहे हैं। अच्छा हमारे साथ तो डिगू चाचा लोग भी थे ना, आपने देखा होगा बाइक में, दो बाइक थे तो पता नहीं कहाँ चले गए थे, हम थोड़ा मार्केट चले गए थे ना काम से, बागे सर आपको दिखाया था तो पता नहीं उनसे कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया तो घर आ गए। एंड अभी वहाँ दिख रहे हूँ हमें, बाकी मनीष लोग सब वही हैं, जोशी जी के यहाँ जाना पड़ेगा सुबह, वहाँ से सूट लेके बाकी आपको दिखाऊंगा वो कंटिन्यू, वो तो नहीं खा पाऊंगा, विदाई वगैरह नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि फिर ये वाला सूट छूट जाएगा ना मेरा, तो जयमाला तक सूट मतलब कंप्लीट रहेगा, उसके बाद अगर विदाई वगैरह देखने है तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वाली वीडियो देख लेना, उसमें दो तीन वीडियो है मेरी, उनमें सब में विदाई दे रखी है, एक एक करके देख लेना, रोना धोना वगैरह क्या ही होता है बाकी विदाई में। और नज़ारा यह गाँव यहाँ से दिख रहा बट ऊपर से क्लियर दिखता है रोड से, चाचा जी वगैरह ठंड लग गई काफ़ी। गाइस तो अभी फाइनली पहुंच चुके हैं गांव में, मतलब यहाँ अभी देखो मतलब कितना क्लियर मौसम है, बट मतलब देखो यार कितना क्लियर हो गया बारिश लगने के बाद, अभी जो है कोई आग ना डाले ना तो ऐसे मौसम रहेगा, कितना कूल लग रहा है मतलब शांत लग रहा है। और फाइनली जो है घर पहुंच चुके हैं, सामने बारात थी आपको दिखा दिया था मैंने, एंड हम जो है चाचा मैं और विक्रम भाई और दिगंबर हमने बता दिया आपको, हम थोड़ा जल्दी आ गए थे बट अभी जो है बारात नहीं आई है, पता नहीं कब तक आएगी, आई थिंक रात को ही आएगी क्योंकि अभी अगर रास्ता भी लग रहे होंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा उनको, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद वंदे मातरम।